कांग्रेस के कायद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। राहुल गांधी की क़यादत में जारी भारत जोड़ो यात्रा 7 नवंबर को नांदेड़ ज़िले के देगलूर पहुंच रही है। 4 दिन नांदेड़ में यात्रा का सफ़र जारी रहेगा। इसी दौरान 10 नवंबर को नांदेड़ शहर में राहुल गांधी का अजीमुशान जलसे आम मुनक़िद किया जा रहा है। इसी पस मंज़र में कॉरपोरेटर व ऑल इंडिया मोमेंट कॉन्फ्रेंस के नांदेड़ ज़िला सदर अब्दुल रशीद अब्दुल गनी की जानिब से AR गार्डन में एक अहम मीटिंग मुनक़िद की गई। इस मीटिंग में ऑल इंडिया मोमेंट कॉन्फ्रेंस के तमाम जिम्मेदारान ने शिरकत दर्ज की और इस मीटिंग में और ऑल इंडिया मोमेंट कॉन्फ्रेंस के ज़िला सदर अब्दुल रशीद अब्दुल गनी ने शहरियों ने नांदेड़ से अपील की है कि वो इस भारत जोड़ो यात्रा में कसीर तादाद में हिस्सा ले। इस मीटिंग के अख्तिताम के बाद ऑल इंडिया मोमेंट कॉन्फ्रेंस के तमाम जिम्मेदारान के लिए ताम का नज़म भी रखा गया। ओके AR गार्डन में वुमेन कॉन्फ्रेंस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा के ज़िम्न में हमने एक छोटा सा प्रोग्राम अरेंज किया। ये प्रोग्राम की सदारत हमारे डॉक्टर रिजवान साहब ने की और इसकी शुरुआत कुरान शरीफ के तिलावत से हाफिज़ मोहम्मद ख्वाजा ने की। हमारे कायद राहुल गांधी जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल रहे हैं, उनका सफ़र तकरीबन 3,570 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। उन्होंने जो सेकुलरिज्म के लिए और इतिहाद के लिए भारत जोड़ो के लिए जो उन्होंने मेहनत और जो तकलीफ़ उठा रहे हैं, उनके अंदर हमारे नांदेड़ ज़िले की मोमिन कॉन्फ्रेंस के पूरे अराकीन ने इसमें शमूलियत की और उनसे ये राय मशवरा किया गया कि भाई 10 तारीख को 3 बजे राहुल गांधी टायर बोर्ड कमान से बापना की ओर जाने वाले हैं, उसके अंदर हमको भी हिस्सा लेना है, उसमें हमको भी शामिल होना है। उसके लिए हम तकरीबन मोमिन कॉन्फ्रेंस के 500 लोग इंशाल्लाह इसमें शामिल होंगे और इसके अंदर हमारी पहचान ये होगी कि हमारे 50 लोगों के हाथ में तकरीबन मोमिन कॉन्फ्रेंस का झंडा होगा और हम वहाँ पे जितनी भी हमारी कोशिश रहेगी कि वहाँ पे हम क्या खिदमत अंजाम दे सकते हैं वो खिदमत अंजाम देने की कोशिश करेंगे। हमारे तरफ से पानी के बॉटलों का इंतज़ाम किया जाएगा, पानी पहुँच का इंतज़ाम किया जाएगा और अभी इसके बाद मशवरा कर अगर हुआ तो कुछ फ्रूट का भी हम इंतज़ाम करेंगे ताकि जो भी मेहमान हमारे तरफ से जा रहे हैं उनकी कुछ ना कुछ मोमिन कॉन्फ्रेंस की तरफ से उनकी खिदमत हो सके और हम भी इसमें ये जो तारीख साज जो कारनामा राहुल गांधी अंजाम दे रहे हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं तारीख में हमारे भी नाम मोमिन कॉन्फ्रेंस का भी नाम कहीं ना कहीं शामिल हो। इसके लिए ये कोशिश हमारी एक अदना कोशिश एक छोटी सी कोशिश हमने चालू की है और अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है इंशाल्लाह ये कोशिश में हम ज़रूर कामयाब होंगे। आज भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने शुरू की है इसके अंदर सब में ज़्यादा मैं समझता हूँ सब में ज़्यादा मुस्लिम तबके को इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि ये जो नफ़रत का माहौल BJP ने तैयार किया है इसको तोड़ने का काम अगर कोई पार्टी कर सकती है तो वो कांग्रेस पार्टी है, सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है और इसका कदम और इसकी शुरुआत राहुल गांधी ने शुरू कर दिया है। जैसा कि नांदेड़ के अंदर अशोकराव चौहान सेकुलरिज्म के नाम से मशहूर है, सेकुलर अगर कोई लीडर नांदेड़ के अंदर महाराष्ट्र के अंदर कोई है तो अशोकराव चौहान है और हिंदुस्तान के अंदर कोई है तो वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी है। तो मेरी तमाम मुसलमानों से और मोमिन कॉन्फ्रेंस के तमाम जिम्मेदारों से और बिरादर मोमिन से मेरी रिक्वेस्ट है इल्तिजा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 तारीख को ठीक 2 बजे टायर बोर्ड कमान के ऊपर सब मौजूद हो, वहाँ पर अपने लिए इंशाल्लाह ये कॉन्फ्रेंस की ओर से खाने का इंतज़ाम किया जाएगा, वहाँ पर बैठने के लिए कुर्सियों का इंतज़ाम किया जाएगा और अपने को पैदल चलने के लिए पैदल तैयारी से आना है और हम सब 3 बजे से 1 घंटे के लिए बापना टी पॉइंट तक पैदल चलेंगे और उसके बाद नया मुंडे में जो एक प्रोग्राम रखा गया है वो प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम सब लोग शामिल होंगे। और मैं यहाँ पे जितने भी लोग आए और ख़ास तौर से MCN चैनल और जितने भी सोशल मीडिया के मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा जो प्रोग्राम है और हमारे जो लोग वहाँ पर आने वाले हैं थोड़ा ख़ास तौर से उन पर भी ख्याल किया जाए और उन पर नज़रसानी की। इतना कह के मैं अपने 2 शब्द ख़त्म करता हूँ। अल्लाह कि हमारे इस मुल्क के साबिका सदर कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जो कन्याकुमारी से
कश्मीर तक जो पैदल सफ़र के लिए निकले हैं, और उनका ये प्रोग्राम है कि भारत जोड़ो तहरीक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा उन्होंने कदम उठाया है। आज हम उनके लिए उनकी इस कुर्बानी को, जो उन्होंने कुर्बानी दे रहे हैं, उस कुर्बानी के लिए हम भी उनका साथ देते हैं, और हम भी उनकी पद यात्रा में कुछ ना कुछ हो हम चार कदम चल के हम उनका साथ देंगे। सारा इलेक्ट्रॉनिक एंड अप्लायंसेस लॉयड हैवेल्स शोरूम में फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, टीवी, डी फ्रिज, मिनी अप्लायंसेस की अशिया ग्राहकों के लिए दस्तियाब है। इस शोरूम में ग्राहकों के लिए स्क्रैच कार्ड, गिफ्ट ऑफर, डिस्काउंट की भी है सहूलत। इस शोरूम के प्रोपराइटर अब्दुल रज्जाक मोहम्मद इरफान ने लोगों से अपील की कि वो एक दफा इस शोरूम में जरूर तशरीफ लाए। हमारा पता है वाजगांव, हैदराबाद हाईवे रोड, नांदेड़।